जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महायोग टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दिखेगा कार्तिक पूर्णिमा का चांद। 12 राशियों में से इन 4 राशि वालों की लगेगी लॉटरी। आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 7 नवंबर दिन सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्या और दुर्लभ महासमुंद योग महालक्ष्मी योग में 12 राशि यो में राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों अब इन 4 राशि वालों की इस दिन यानी 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों खुद धन की देवी माता लक्ष्मी अब इन 4 राशि वालों के घर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पधार रही है, जिससे अब इन 4 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं और अब इन 4 राशि वालों के जीवन में आने वाली है माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां से अब इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों वह खुश नसीब और भाग्यशाली 4 राशियां कौन कौन सी है जो कि 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग दिव्या और दुर्लभ महाशुभ संयुक्त बनने से लॉटरी लगने वाली है। ये 4 राशि वाले होने वाले हैं अब धन से मालामाल होने वाले हैं। स्वयं विधाता भी अब इन 4 वास वालों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मालामाल बनने से धनवान बनने से करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। इस वीडियो में हम आपको उन्हें 4 खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, उसे लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जाएं। माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 सितंबर को बता दें भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकाल की होती है। वाही रोहिणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मानता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। महायोग यूट्यूब चैन ब्रह्मा विष्णु शिव अंगिरा और आदित्य ने इस महापुनीत पर्व कहा है, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान दीपदान हम यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार है। आपको बता दें पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जाकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी सरोवर या फिर कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिव संभूति संभूति त्रुटि अनसूया और क्षमता इन कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बेल का दान करने से शिव फल प्राप्त होता है। गए हाथी घोड़ा रक्त और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन भिंड का दान करने से ग्रह योग के का सन का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली प्रश्न को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीप दान करना चाहिए। विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध गंगा जल और अक्षत मिलकर अर्थ देना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्थ देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र ओम बनाना में नमः मंत्र का जप जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करनी चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मन मुटाव में लड़ाई झगड़ा रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्थ दिन। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आ जाएगी, साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूतक कणक धारा स्त्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देगी। और दोस्तों साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के समान करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देगी। तो अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में, क्योंकि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 27 नवंबर दिन सोमवार पूर्णिमा के दिन बन रही है दिव्या दुर्लभ महाशिव सहयोग महालक्ष्मी योग मेंस वालों की लॉटरी लगने वाली है। ये चार राशि वाले मालामाल होने वाले ही स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते हैं इन चार राशि वालों को करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से 27 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विचार। खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मालामाल बनने वाली है, इन चार राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। चलिए, सभी लोग जानते ही हैं माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि धान की देवी माता लक्ष्मी एक जगह टिककर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं, जिससे मन खुश होकर व्यक्ति को मालामाल बना देती है। दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से निरंतर होते रहते हैं, इसलिए मनुष्य हमेशा ऐसे ही भविष्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार विशेष महासंयोग बन रहा है, जिसमें महालक्ष्मी अब 12 राशि में से 4 राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार के महासंयोग से माता लक्ष्मी इन चारों राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। यूं कहें कि इन चार राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं चार राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है, दोस्तों के बालों के जीवन में वाली है। दोस्तों, जिन चार राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, उन चार और खुशनसीब भाग्यशाली राशियों में से जो पहले राशि है कन्या राशि, कन्या राशि वालों को बता दे कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए अब समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले, धन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ को अब प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों, अब आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही है और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। दोस्तों, अब आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही सभी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा माता
लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। आपका जीवन अब माता लक्ष्मी खुशियों से भरने वाली है। आपके जीवन में अब आप अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मेष राशि। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। यह संयोग कभी कभी ही बनता है दोस्तों, जिसके कारण आपके लिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है कि जल्द ही किसी से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा पूरी बदलकर रख देगा। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों, आप व्यापार में देखेंगे कि आपके व्यापार में लाभ मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुन तरक्की करेगा। आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के भी योग है मेष राशि वालों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का भी सुख मिलने वाला है, कहना गलत नहीं होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अगली राशि जो आती है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बना रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और पैसा बढ़ेगा। अधिक लाभ अब आपको होने वाला है। वह राशि वालों, आप कोई जल्द ही नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दें, कुंभ राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, दोस्तों अब तक आपने महायोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। महायोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो वे सपना इनका जल्द ही पूरा होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य अब बहुत आसान तरीके से होने वाले हैं। जो कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वह कार्य आपके सफलतापूर्वक पूरी होंगे। आपको हर जगह से अब कुंभ राशि वालों लाभ ही लाभ मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर बना रही है। यूं कहें कि आपकी जल्द ही अब लॉटरी लगने वाली है। कुंभ राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अनेक प्रकार के धन लाभ प्राप्ति के योग्य है और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दे कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बना रही है, जिससे आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन आप सभी लोग देखेंगे। तुला राशि वालों, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। समझ में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई के अब आपको अवसर मिलने वाले हैं। दोस्तों, अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना इनकी अवश्य ही सफल होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है, तो कहना गलत नहीं होगा। तुला राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग्य है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होगी और समय आपके पक्ष में रहेगा। दोस्तों,
ये थी विचार खुशनसीब भाग्यशाली रशियन, दूसरों के आशीर्वाद से अब धन से मालामाल होने वाली है। यूं कहानी इन चार राशि वालों को करोड़ों का धन मिलने वाला है। ये चार राशि वाले आप धन से मालामाल होने वाले हैं। इन चार राशि वालों को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होगी, जिससे इन चार राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे, तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।